आप सभी ने अपने शिक्षक के इस कथन को तो सुना ही होगा कि क्या यह बात आपके दिमाग में नहीं जा रही है? तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी अनुभव करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, यह सब हमारे मस्तिष्क के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। अब सवाल यह आता है कि शरीर से ये सभी संकेत हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचते हैं? हमारी मेरुरज्जु, जो हमारे कशेरुक स्तंभ के अंदर संरक्षित है, अधिकांश संकेतों को एक जटिल तंत्रिका अंग में ले जाती है। मानव मस्तिष्क हमारी खोपड़ी के अंदर रखा होता है, जो एक सुरक्षात्मक तरल पदार्थ से घिरा रहता है, जो इसे बाहरी नुकसान से बचाने के लिए काम करता है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब मानव मस्तिष्क के बारे में और जानते हैं। मानव मस्तिष्क तीन भागों में विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कृपया इसे भी कॉपी में नोट कर लें।